नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपना आधार कार्ड का नंबर कैसे पता कर सकते हैं। आधार कार्ड कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, चाहे हमें बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। भले ही इसकी फिजिकल कॉपी आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर याद है तो आप कई ज़रूरी काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम अपना आधार कार्ड का नंबर भी भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या आई है तो आप हमारा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपना आधार कार्ड का नंबर कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी। यहाँ पर आपको कई विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको आधार सर्विसेज पर जाना होगा। फिर रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटन EID या UID पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना पूरा नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ दिया गया कैप्चा आपको एकदम ठीक से डालना होगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे दिए गए सेंड OTP पर क्लिक कर दें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को दर्ज करें और नीचे दिए गए लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका UID नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। UIDAI की वेबसाइट पर इसके अलावा भी कई काम किए जा सकते हैं, जैसे कि आप अपना आधार वेरीफाई करा सकते हैं, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा सकते हैं, आप अपना VID जनरेट कर सकते हैं, आधार वेरीफिकेशन आप ऑफलाइन करवा सकते हैं, आधार लिंकिंग स्टेटस जान सकते हैं, बायोमेट्रिक्स सिक्योर कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जान सकते हैं, जिसमें आप अपनी पुरानी 50 ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस को देख पाएंगे। आप अपने आधार को लॉक या फिर अनलॉक भी कर सकते हैं। यहां से आप आधार सर्विसेज और SMS की सुविधा भी ले सकते हैं। इन सभी सर्विसेज का लाभ आप माय आधार के अंदर जाकर आधार सर्विसेज पर टैप कर ले सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBT Tech।